नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का महादेव क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी शुरुआत कैसे हुई और यह 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी विस्तार से जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। अब तो समझ ही गए कि 21 जून को जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी जो है दीर्घ जीवन प्रदान करता है, इसीलिए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब के किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में की थी। इसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर ही पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। इसके बहुत से नाम हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसके जो नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके अन्य नाम हैं विश्व योग दिवस और योग दिवस। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।